इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। बैन ईवीएम और ये ट्रेंड चलाने वाले हैं मीम और भीम। मीम समुदाय के पूरे नाम आप देख लीजिए, भीम समुदाय से दिलीप मंडल ने इसकी शुरुआत की है और इन्होंने तर्क क्या दिया है, इन्होंने तर्क दिया है कि ईवीएम को बैन करो क्योंकि जब तक ईवीएम है भाजपा जीतती रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट में एक इन लोगों ने, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में पीएल डलवा दिया है एडीआर के थ्रू। ये एडीआर अपने आप को ये भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, हमारी तरफ से कोई बात हो तो कहेंगे सेल्फ प्रोक्लेम्ड, ये एडीआर भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही है। इसका दावा है कि 370 लोकसभा सीटों पर मतों की संख्या में ईवीएम ने भारी चूक की। हेडिंग है पूरा सारे प्रोपेगेंडा चैनलों का आपको बताऊं, लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो आपको कहेगा 10-12 ऐसी सीट थे जिसमें थोड़ा अंतर दिखा। और ये कह रहे हैं कि बार बार ऐप में और वेबसाइट में आंकड़े सुधारे चुनाव आयोग ने। ये इतने मूर्ख हैं, और मूर्ख नहीं है, ये इतने सातिर लोमड़ी हैं। असल में जब तक चुनाव की गिनती चलती रहती है वो आंकड़े सुधारते रहते हैं। आखिरी समय तक, मैं पत्रकार रहा हूं, चुनाव लंबे समय तक कवर किया है, आखिरी समय तक वो गिनती आखिरी बूथ आखिरी ईवीएम तक अपडेट होती है। उस अपडेट का स्क्रीनशॉट लेके ये पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, कमाल है। और उसके आधार पर दिलीप मंडल एंड गुंडे मीम भीम मिलकर राम मंदिर के बाद से ये मीम भीम पकड़ाए पड़े हैं। और वो मीम भीम कौन, जिनको फंडा होता है बाहर से। पूरा अभियान चलाया बैन ईवीएम, 60-70 हजार ट्वीट कर दिया बैन ईवीएम। अब ये लोग गए यहां पर कि 15 नवंबर की इन्होंने याचिका डाली है और कहा है कि 370 सीटों में जब आप जाएंगे तो आपको ये बताएंगे कि ये 370 सीटों में 2014 में हुआ था। अंदर आप जान, ये तो आपको सब इनके नाटक समझ में आएगा। फिर कहेंगे कि 2019 में क्या हुआ, तो कहेंगे कुछ विसंगतियां मिली, ये फिर से ये बात कहेंगे। आपको याद होगा कि पोर्न स्टार, बाद में पता चला ये जो कपिल सिब्बल लंदन में बैठकर ईवीएम मशीन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहा था, बाद में पता चला वो जो ग्रुप है वो बाद में मसाज पार्लर और पोर्न का ग्रुप है। यानी इन लोगों ने किस किस हद तक गिरना है, गिरने की कोई सीमा ही तय कर नहीं रखी, हद तक गिरना है। क्यों? क्योंकि इनका लूट खसूट बंद हो गया, ये भूखे मर रहे हैं, ये लार टपकाए घूमते थे यूपीए सरकार के समय, इसीलिए एनएससी बनाया गया था कि सारे एनजीओ वालों को बैठा के और इनको जूते चटवाओ, क्योंकि जब तक ये चाटेंगे नहीं तब तक ये भौंकते रहेंगे। तो इसलिए सोनिया गांधी सातिर थी, तेज थी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाए, सारे एनजीओ वालों को कहा कि लो खाओ खाओ खाओ, और उसी से लिए जो है मनरेगा, हिंदू जो है सांप्रदायिक का लक्षित विधेयक, सूचना का कानून, ये सब सारा कुछ उन्हीं से बनवाया और कहा खाओ। तो इनके पेट भरे, ये योगेंद्र यादव ये तो इतिहासकार बन गए थे, एनसीईआरटी के लिए किताब लिखता था, ये तीसरा सितलवार एनसीईआरटी के लिए किताब लिखते थे। तो ये जितने भी लार टपकाए वामपंथी बिरादरी के हैं, इसलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी के आसपास झोला छाप सारे एनजीओ कर्मी जमा वामपंथी, ये खाने के फिराक में किसी भी तरह से चाहते ये सरकार गिर जाए। राफेल पे गिर जाए, नहीं गिरी, ईवीएम पे गिर जाए, नहीं गिरी, जैसा पे गिर जाए, नहीं गिरी, जज लोया की पे गिर जाए, नहीं गिरी, राम मंदिर पे प्रोपेगेंडा फैलाना है फैला रहे हैं, कश्मीर पे हो जाए, ये पूरी तरह से। और मैं तारीफ करूंगा कि 14 से 19 तक एक शक्ति के साथ ये जुटे हुए हैं, ये वायर क्विंट प्रिंट थ्रिंट जितने हैं, राजीव बरखा, दिलीप मंडल, आशुतो, ये इनकी ता। और हम लोग तो 2 मिनट में अपने सब्र खो देते हैं, पागलों की तरह हमारा बर्ताव हो जाता है, एक दूसरे को गरियाते हैं 2 मिनट में। ये 9 से 1 मुश्त लगे हुए कि सरकार को किसी तरह गिरा दें, सुप्रीम कोर्ट से गिरवा दें, बदनाम करके गिरवा दें, प्रोपगंडा फैला दें। तो अब इनका अगला प्रोपगंडा है कि बैन ईवीएम। अब मरे हुए सांप को कितनी बार पीटोगे, कब तक पीटते रहोगे, तेल निकाल लो उसके, खाल निकाल लो उसके, जहर निकाल लो उसके, क्या फायदा, मरे हुए सांप पीटते रहो दिलीप मंडल जैसे लोग। और वो जो है जितना पीटना है पीटो, आम जनता जानती है कि उसने किसको वोट किया है।
अगर ईवीएम में गड़बड़ी होता तो भारत की जनता मिस्र और यूरोप की तरह रास्ते पे उतर आती। अमेरिका को ये नहीं मानेंगे झोला छाप वामपंथी कि पूंजीवाद है, लेकिन कहेंगे अमेरिका में ईवीएम नहीं चलता, यूरोप में नहीं चलता, यहां नहीं चलता हैंड टेन, तो यहां भी नहीं चले। ये अपनी सुविधा से कुछ भी गढ़ने में माहिर। इसलिए आपको बता दूं कि अब ये जब नीचे आएंगे तो ये आएंगे, ऊपर हेडिंग है इनके जनसत्ता और इन सबके, और नीचे कहेंगे 6 सीटों की संख्या में मामूली अंतर है, और ऊपर हेडिंग आप देखेंगे कहेंगे 370 लोकसभा सीट पे, यानी पूरी मोदी सरकार गायब, और नीचे आएंगे तो कहेंगे 6 सीटों में मामूली गड़बड़ी। क्यों? क्योंकि वो जो अपडेट होता रहता वेबसाइट और ऐप, अभी गिनती में 5,000 आया, 2 घंटे बाद 7,000 आया, 4 घंटे बाद फिर लास्ट तक आया, उसी के स्क्रीनशॉट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और उसी के आधार पर 70,000 ट्वीट का पूरा अभियान चला रखा है। ट्वीट तो ट्रेंड ऐसा हो गया है, नोट दो और तमाशा देखो। वो कठुआ पे जो महिला पत्रकार थी और वो जो छपाई खाने वाले भाई साहब थे, 2,000 रुपये, बाद में पता चला 2,000 रुपये पर ट्वीट के हिसाब से, जनवरी के बाद सीधे मार्च अप्रैल में कठुआ ट्रेंड करवाया था पर ट्वीट। अब एक दिन में अगर 2400 रिट्वीट हो गया, ट्वीट हो गया, तो हो गया ना कितने, 5,000 मान ले ट्वीट हो गया तो 2 लोग कितने हो गए, 1,00,000 हो गए, कितने हो गए, 5,000 × 2,000 कर लो, एक दिन में इतनी इनकी कमाई सिर्फ ट्वीट से। हम आप झूठ मूठ का ट्वीट करते रहते हैं, तो ये जो है इनका नया प्रोपगंडा जो है इनका ये वाला है।